अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऐश कुरैशी की तरफ से, ऐश टीवी की जानिब से मैं तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूं। और ये पहली मरतबा मुझे एक मौका मिला कि मैं किसी मासूर लड़की का इंटरव्यू करूं, और इसी इंटरव्यू के मुताबिक मैं थोड़ा सा अपने सियासतदानों को और अपने हुक्मरानों को जगाना चाहता हूं। इलेक्शन फिर आ गए हैं, फिर आ रहे हैं, फिर झूठे वादे, फिर झूठी उम्मीदें, फिर झूठी जन्नतें दिखाकर और माजूरों के, गरीबों के जज्बात से खेला जाता है। मैं तमाम सियासतदानों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस माजूर का इंटरव्यू सुने, और उस पे अगर अल्लाह से आप डरते हैं तो एक शेर जरूर पढ़िए। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। तो नाज़रीन, मैं आपसे ये एक माजूर लड़की बैठी है जिनकी दोनों टांगे नहीं है, और इनकी जबानी आपसे जो जो झूठे वादे किए जाते हैं गरीबों से, बेरोजगारों से, माजूरों से, आइए आपको इन्हीं की जबानी आज मैं आपको इनके ही ख्याल सुनाना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फरहीन है जी। बताइए। मैं पिछले 2 सालों से बाजारों में काम करती हूँ, बेबी सूट गार्मेंट्स का मेरा काम है। इस काम में बहुत ज्यादा मेहनत मेरी होती थी, तो मेहनत कर करके मैं बहुत कमजोर पड़ गई थी। तो मेरे दिल में एकदम ख्याल आया कि हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत तारीफें सुनी हूँ, इनको हमेशा वोट देकर इनको लाइक भी किया है। लेकिन अब मैं चाह रही थी कि मैं इनके पास जाऊं। अल्लाह ने मेरे दिल में एक ख्याल पैदा किया, तो बस इस ख्याल के ऊपर मैं गवर्नर हाउस गई। 13 अगस्त की रात को 10 बजे मैं गवर्नर हाउस पहुँची। अल्लाह से बहुत दुआ गो थी कि शायद मेरा काम हो जाए, तो अल्लाह ने मुझे कामरान तैसूरी साहब से, गवर्नर सिंध का कामरान तैसूरी साहब, इनसे मेरी मुलाकात हुई रात को 2:30 बजे। 13 अगस्त की रात को 2:30 बजे मेरी इनसे मुलाकात हुई। मैंने इनको बोला कि मैं माजूर जरूर हूँ, लेकिन मैं मोहताज नहीं हूँ, मैं मेहनत कश हूँ, मैं भीख नहीं मांग रही हूँ। तो मैंने इनसे बोला गया कि सर, मैं काफ़ी टाइम से इस कोशिश में थी कि शायद मेरा लोन मंजूर हो जाए, मेरे बाजार ख़त्म हो जाए, मैं अपनी शॉप खोल के अपने छोटे से काम को आगे बढ़ा सकूं, अपने घर को पूरी तरह से सपोर्ट दे सकूं। तो इसी उम्मीद के लिए मैं यहाँ आई हूँ कि मेरा लोन मंजूर नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि लोन मंजूर हम नहीं करवा सकते। मैं, सर आप मेरा लोन मंजूर ना करवाएं, लेकिन आप मुझे इतनी सपोर्ट दें कि मैं अपना काम चला सकूं। अल्लाह ने मेरे दिल में ये उम्मीद आपके लिए डाली है, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरा काम जरूर करेंगे। तो कामरान तैसूरी साहब ने बड़े मीठे, बड़े प्यारे लफ्जों में मुझसे बात की, मुझे उम्मीद दिलाई, मुझसे वादा किया कि वो मेरा काम करेंगे। वादा उन्होंने मुझसे पहले बाहर गेट पे किया, फिर उन्होंने अंदर जाके मुझे अंदर बुलाया गया, गवर्नर हाउस के अंदर में गई हूँ। फिर अंदर गई हूँ, तमाम सिक्योरिटी गार्ड, तमाम अफसरों के सामने उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं आपको शॉप खुलवा के दूंगा, और मैं उसमें आपको माल डलवा के दूंगा, और 6 महीने का किराया मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा। 6 महीने के बाद ये शॉप आपकी हो जाएगी, उसके माल के नाप कहलाएंगे। ये उन्होंने मुझसे वादा किया था। उसके बाद मैं 1 मिनट यहाँ रोक रहा हूँ जी। जो उन्होंने वादा किया था, क्या आपके पास सबूत है? जी बिल्कुल, मेरे पास सबूत भी है। सबूत मेरे पास इस तरह है कि उन्होंने मुझे एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया था, फिर सेल नंबर, कि इस पे आप कॉल करिएगा, आप इस पे कॉल करें, 2 दिन के बाद हमारा बंदे आपके पास आएंगे और आपका ही काम होगा। फिर मैंने उस पे कॉल की, उस पे कॉल 2 दिन 3 दिन 5 दिन में उस पे कॉल करते रही, मेरी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई, मेरी कॉल कोई रिसीव नहीं हुई। मैं फिर से रात को 10 बजे में दोबारा गई, रात को 10 बजे में जाती थी यहाँ से मोहल्ले से किसी से कराया लेकर, मैं किस तरह जाती थी ये मेरा खुदा जानता है। मैं वहाँ तक पहुँची,
फिर रात में पूरी पूरी रात में वहाँ गवर्नर हाउस के गेट पे बैठी रहा करती थी पूरी पूरी रात। घर पे आ रही हूँ सुबह के 5 बजे 6 बजे ऐसे में करते आ, लेकिन गवर्नर हाउस से तो मेरी मुलाकात दोबारा नहीं हुई। और हमेशा उन्होंने ये कहकर मुझे तरका दिया गया आपकी दरखास्त आगे पहुँच चुकी है तो लिहाजा आपको वेट करना होगा। वेट कितना करना होगा, आगे इलेक्शन आ रहे हैं। फिर वो लोग बोलेंगे हमें वोट दे दे। मैं बोलती हूँ ऐसे हुक्मरान जिनको हम वोट दें और वो हमें झूठी उम्मीदें झूठे वादे करके पीछे हट जाएं, ये कहाँ का इंसाफ है। तो वहां से एक बहुत अच्छे बहुत नाइस बुजुर्ग वहां से गुजरे, उन्होंने मुझसे कहा बेटी आप क्यों रो रही हो। मैंने अपना पूरा वाक्या उनसे बयान किया तो इस दौरान उन्होंने मुझे मैम रुखसाना जो कामना तैसूरी साहब की असिस्टेंट है उनका मुझे नंबर दिया। उस बंदे का मैं नाम नहीं जानती, वो फरिश्ता बनकर आए थे। उन्होंने नंबर दिया कि मैडम रुखसाना से आप रब्ता करें, इंशाल्लाह ये आपका फौरी काम करवाएंगी। मैं एक उम्मीद पे एक और उम्मीद पे लेकर मैं घर आ गई और फिर मैंने मैडम रुखसाना से रब्ता किया। मैंने उनके व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, जो सबूत मेरे पास इस वक्त मौजूद है। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। फिर सुबह के टाइम अचानक उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे इस तरह से बातें सुनाई जैसे अल्लाह माफ करे मैं उनसे भीख मांग रही हूँ। मैंने उनसे भीख नहीं मांगी, मैं मजदूर जरूर हूँ लेकिन मैं भीख नहीं मांग रही, मैं मेहनत कर चुकी हूँ, मेहनत करके कमाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे इस तरह डांटा कि अनबेस नंबर पे मैसेजेस कॉल नहीं करना। मैंने कहा क्यों नहीं करना। मैंने मैडम रुखसाना को रात में मैंने मैसेजेस किए, जो मैसेजेस मैं आपको मोबाइल में दिखा भी सकती हूँ और वो मैं आपको व्हाट्सएप भी करूंगी। मैंने मैसेजेस किए, उसका एक रिप्लाई आया कि सुबह ऑफिस जाके कॉल करूंगी। ऑफिस जाके सुबह मुझे कॉल किए तो मुझे न्याय धमकिया दी कहीं तो दोबारा इस नंबर में मैसेजेस नहीं करना। ये मैम रुखसाना ने दी। जी धमकियां उन्होंने दी कि दोबारा मैसेजेस नहीं करना, दोबारा कॉल नहीं करना। मैंने कहा मैम मैं कॉल मैसेज नहीं करूंगी तो मैं किसके इंतजार में रहूंगी, कौन मुझे कॉल कर रहा है, मुझे तो कॉल किसी ने भी नहीं की है क्योंकि प्रूफ मेरे पास खुद मौजूद है। जब मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी आप खुद इसमें देखिएगा, उनकी वॉइस उन्होंने नहीं की, उन्होंने मैसेजेस किया लेकिन मुझे धमकियां देने की वजूहत क्या है, मैंने उनसे कोई भीख नहीं मांगी। क्या आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या कोई हमारे बहुत सारे पाकिस्तान में हमदर्द इंसान है, अगर गवर्नर साहब के अलावा कोई और फरिश्ता शक्ल आपके पास आपको मदद के लिए कोई ऑफर करे क्या आप उसको कबूल करेंगी? जी बिल्कुल, मैं अल्लाह से इस उम्मीद पर हूँ शायद अल्लाह का डर किसी के दिल में आए, कोई ऐसा फरिश्ता बनकर आए तो मेरा साथ दे, तो मेरा काम चलाए। मैं काम करने वाली हूँ, मैं मेहनत कश हूँ, भीख मांगने वाली नहीं हूँ। इन लोगों ने जिस तरह मुझे धुतकारा गया है, मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि इस वोट में इस इलेक्शन में कोई ऐसा फरिश्ता बनकर आए जो हम सब के लिए मुस्तकबिल बन जाए, हम सब के लिए एक आवाज उठाए। सब क्या पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहती है इस इलेक्शन पे? मैं पब्लिक को ये पैगाम देना चाहती हूँ आप प्लीज वोट उनको दीजिएगा जो हम जैसों को समझे, जो हम जैसों का साथ दे, जो जिनके दिल में अल्लाह का डर हो उनको वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मुलाकात। थैंक यू।